फिनाले में इस लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नोएडा में अब गाय और सांड का नाम होगा और नंबर भी, इसलिए अपनाया गया तरीका। कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए केजरीवाल बेचैन, राहुल गांधी ने किया साफ इनकार। भूकंप से फिर कांपी दिल्ली, अब देखते हैं खबरें विस्तार। नई दिल्ली गाजियाबाद NCR में अब गाय और सांड को उनके नाम और नंबर से पहचाना जाएगा। यह नई पहल तब हुई जब आवारा पशुओं को रोड से हटाकर गौशाला और नंदी पार्क में रखा जा रहा है। अगर वह भाग जाते हैं तो उनके नंबर से पता चल जाएगा गाय और सांड थे, ताकि उनकी तलाश भी आसानी से हो जाएगी। अब तक आपने और हमने जेल के कैदियों के विषय में यह सुना था, लेकिन अब आवारा पशुओं के मामले में भी यह किया जा रहा है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे केजरीवाल की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। कारण है कि दिल्ली में कांग्रेस का उभार और आम आदमी पार्टी की घटती लोकप्रियता। हाल ही में आए एक सर्वे में आम आदमी पार्टी कांग्रेस से पिछड़कर तीसरे नंबर पर दिखी, तो वही BJP नंबर 1 पर अपना कब्जा जमाए रखी। 9 फरवरी को गोंदिया में स्वर्ण पदक वितरण समारोह आयोजित किया गया है। इस समारोह में प्रमुख अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री कमलनाथ, अभिनेता संजय दत्त, वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल उपस्थित रहेंगे। समारोह सुबह 11 बजे DB साइंस कॉलेज में आयोजित किया गया है। नई दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता 3.5 बताई जा रही है। भूकंप के बाद कार्यालयों और घरों से निकलकर लोग बाहर आ गए। भूकंप में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। भूकंप का केंद्र महेंद्रगढ़ हरियाणा था। खबरों में आज के लिए इतना ही। मैंने सिंधी की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से मैंने सिंधी ऐप डाउनलोड कर हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।